नमस्कार दोस्तों, LKS नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललित कुमार शाक्या है। मैं फर्रुखाबाद यूपी ईस्ट से हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है। यह वीडियो मैंने 1857 की क्रांति पर बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम में 1857 की क्रांति से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यह वीडियो का पार्ट वन है। इसके बाद 1857 की क्रांति का पार्ट टू भी आएगा। कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यह वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। पार्ट वन, 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण। दिसंबर 1856 में सरकार द्वारा पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल बंदूक के प्रयोग का निर्णय लिया गया था। इस बंदूक के कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। इन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह अफवाह 1857 में सेना में फैल गई थी। यही घटना 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण है। बैरकपुर से 1857 की क्रांति का मुख्य कारण। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसके बाद इसी सेना के एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर दिया। वहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। यहाँ पर तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने इस क्रांति को और हवा दे दी थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली से 1857 की क्रांति। बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व भूतपूर्व सेना के एक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया था। झांसी से 4 जून 1857 की क्रांति। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। एक अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1857 को वह वीरगति को प्राप्त हुई थी। लखनऊ अवध से 4 जून 1857 की क्रांति। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया था। वह शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। जगदीशपुर बिहार से 1857 की क्रांति। जगदीशपुर बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति। इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। कानपुर से 1857 की क्रांति। कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तांत्या तोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनसे नाना साहब को इस संग्राम में बहुत सहायता मिली थी।
असम से 1857 की क्रांति। असम से इस क्रांति का नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। दिल्ली से 1857 की क्रांति। दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व नवाब हामिद अली खां ने किया था। फैजाबाद से 1857 की क्रांति। फैजाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को किसने पराजित किया था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। यह प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था?